आप लोगों ने कस्टम ऑक्शन का वीडियो तो बहुत देखा, बट क्या आप लोगों को पता है कि ये जो कंटेनर है और ये जो एयरपोर्ट का माल है, ये एक्चुअल में कस्टम ऑक्शन तक पहुंचता कैसे है? मतलब ये ऑब्वियसली बाहर से किसी ने इंपोर्ट किया होगा, तो इंपोर्टर से ऐसी क्या गलती हुई होगी कि ये माल उसका इतना महंगा माल जो उसने इतने मेहनत से अपना पैसा लगा के इंपोर्ट किया, वो कस्टम ऑक्शन तक पहुँच गया। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको वो गलती नहीं करनी। अगर इन फ्यूचर में कभी भी आप अपना इंपोर्ट करने का सोचते हैं या एक्सपोर्ट करने का सोचते हैं, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसा वन शॉट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र देने वाला हूँ कि उसके साथ अगर आपने एक बार क्रॉस चेक कर लिया ना, तो आपका कोई भी एक्सपोर्ट और कोई भी इंपोर्ट कभी भी कस्टम क्लियरेंस में नहीं रुक सकता। बिल्कुल मक्खन की तरह वो कस्टम क्लियरेंस होगा। आपको बस एक छोटा सा स्टेप करना है, कुछ भी आइटम इंपोर्ट करने से पहले या एक्सपोर्ट करने से पहले एक वेबसाइट बताऊंगा, वहाँ पे जाके बहुत ही एक मिनट का काम है, उसको क्रॉस चेक करना है अपने आइटम के एचएस कोड को, और आपको सबको सब कुछ सारा का सारा क्लियर हो जाएगा इस बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपांकर, आप सभी देख रहे हैं ग्लोबल व्यापार, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में और कस्टम क्लियरेंस के बारे में। जब भी कोई आइटम इंपोर्ट करता है ना और वो कस्टम्स के ऑक्शन तक पहुंच जाता है, उसके पीछे दो मेन रीज़न होते हैं और मैं इस बार बहुत तेज़ बोलने वाला हूं। कोई मेरे को ये नहीं बोलेगा कि भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही या क्या बोल रहे हो, इस बार मैं बहुत धीरे और बहुत तेज़ बोलने वाला हूं। जब भी कोई आइटम कस्टम ऑक्शन में जाता है तो उसके पीछे दो मेन रीज़न होते हैं। जब कोई आइटम किसी ने आइटम इंपोर्ट किया और उसको क्लेम नहीं किया, इसका तो मेरे को समझ में नहीं आता। ऐसा कभी कभी होता है कि कोई कोई ना गलती से आपका, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, सेक्स टॉयज इंपोर्ट कर लेता है। मसाज कह के, मतलब मसाजर कह के सेक्स टॉय इंपोर्ट कर लेता है और वो पकड़ा जाता है, तो फिर वो इंपोर्टर गायब हो जाता है, तो उसे वो क्लेम ही नहीं करता कभी। सेकेंड होता है कि लोगों को पता नहीं होता कि भाई हम ये आइटम इंपोर्ट करना है, इसमें इंडिया में क्या कंप्लाइंस चाहिए, इसमें कौन सा सर्टिफिकेशन चाहिए, इस जो कि सबसे बड़ा मेन रीज़न है किसी भी आइटम का कस्टम में फंसने का। तो जो कंप्लाइंस होता है, मैं बता दूं आपको, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने एलईडी लाइट इंपोर्ट करते हैं, आप क्या है कि लोग वागना आजकल अलीबाबा पे जाते हैं, देखते हैं कि भाई मेरे को तो आइटम इंपोर्ट करना है, वहाँ से बहुत सस्ता मिल रहा है, इंडिया में इंपोर्ट करेंगे, यहाँ अच्छे मार्जिन में बेच देंगे उसको, एकदम पैक आइटम करेंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे, एकदम बना बनाया आइटम यहाँ पे, बस अपनी पैकिंग करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे और बेच देंगे। वहाँ गए अलीबाबा में, देखा कि भाई ब्लूटूथ स्पीकर मिल रहा है, ब्लूटूथ ये मिल रहा है, ब्लूटूथ हेडफोन्स मिल रहे हैं, वाईफाई राउटर मिल रहा है, या कोई और भी, जैसे कि आपने ब्लूटूथ हेडफोन इंपोर्ट कर लिया बाई चांस, तो ब्लूटूथ हेडफोन्स के लिए आपको चाहिए होता है ब्लूटूथ से चलने वाली, वायरलेस से चलने वाली कोई भी चीज़, चाहे आपका वाईफाई हो, चाहे आपका रेडियो वेव पे चलने वाला हो, चाहे आपका इन्फ्रारेड वेव से चलने वाला हो, चाहे ब्लूटूथ वेव से चलने वाला हो, इन सबको क्लियर करने के लिए आपको चाहिए होता है WPC सर्टिफिकेट, वायरलेस प्रोडक्ट सर्टिफिकेट। इसी तरह अगर आप कोई LED का आइटम इंपोर्ट करते हैं, तो LED आइटम को क्लियर करने के लिए आपको चाहिए होता है BIS सर्टिफिकेट, TV को क्लियर करने के लिए चाहिए होता है BIS सर्टिफिकेट। इस टाइम पे इंडिया में आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, वो इंपोर्ट को बहुत ज़्यादा डिस्करेज करता है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट में है। ट्रेड डेफिसिट मतलब हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं, हमारे देश का पैसा बाहर बहुत ज़्यादा जाता है और बाहर से हमारे देश में पैसा बहुत कम आता है, तो इसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। तो इसको कहीं ना कहीं टैकल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले 3-4 सालों में ये कराया कि भाई इंपोर्ट को इतना मुश्किल कर दो कि लोग कर ही ना पाए। तो आजकल क्या होता है कि कई लोग गलती कर जाते हैं कि भाई ये आइटम उतार लिया, पहले छोटा मोटा आइटम उतार लेते हैं सैंपल। सैंपल में क्या होता है कि सैंपल का ना कुछ फिक्स नहीं होता, सैंपल में कभी LED लाइट भी निकल जाता है, ऐसे रिस्ट्रिक्टेड आइटम में निकल जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सैंपल वगैरह में। तो वो सोचते हैं कि भाई ये तो निकल गया, मैं पूरा कमर्शियल क्वांटिटी उतार लेता हूँ, फिर कमर्शियल क्वांटिटी उतारते हैं, वो चीज़ फंस जाती है, LED फंस जाते हैं। जैसे कि आपने पीछे कस्टम मेरे ऑक्शन में वीडियो में देखा ही था कि TV अटके हुए थे, फिर आपके AC अटके हुए थे, तो TV में भी BIS होता है, AC में भी BIS होता है, EPR सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कई तरह के सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि जब भी आप कोई आइटम इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा सर्टिफिकेशन चाहिए और उसको किस तरीके से लेना है, ताकि आपका कोई भी इतना महंगा माल जो आप इतने मेहनत से इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कस्टम्स में अटक जाए। तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो, क्योंकि मैं जो आपको बताने वाला हूँ, हम लोगों का सीक्रेट है, हम CHA लोगों का सीक्रेट है, आपको कोई नहीं बताएगा। ये एक चीज़ आपने चेक कर लिया तो आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं, ना किसी इंपोर्टर से, ना किसी CHA से, ना किसी फ्रेट फॉरवर्डर से, आप खुद ही जाके चेक कर सकते हैं ऑनलाइन कि इसमें क्या है। और आज मैं जिस वेबसाइट के बारे में आपको बताने वाला हूँ, उसका नाम है icegate.gov.in। ये एक कस्टम्स की ऑल ओवर इंडिया की सेंट्रल वेबसाइट है, मतलब कस्टम्स का जितना काम होता है ये इसी वेबसाइट के थ्रू होता है, ऑफिशियल वेबसाइट है, कोई इसमें दोराय नहीं है कि आप यहाँ से कुछ चेक करेंगे तो वो गलत हो जाए। तो इसको चेक करने के लिए मैं आपको सीधा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जाऊँगा, दो या तीन स्टेप मेरे को तो एक्चुअली मुँह ज़बानी आता है, बट मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाकर दिखाता हूँ कि किस तरीके से होता है। तो मैं आपको सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाता हूँ, तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। अरे एक चीज़ तो मैं भूल गया कि चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो, क्योंकि जो मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, ऑल ओवर इंडिया के जितने CHA सब यहीं से चेक करते हैं, हम खुद ही यहीं से चेक करते हैं। तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल में पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर दो, और कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना।
तो दोस्तों देखो, ये आपको बस इतना सा करना है, आपको अपना क्रोम खोलना है या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, उसमें आपको जो भी आइटम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं अपना लेके चलता हूँ इस टाइम पे, मेरे ना एक वो जा रहा है, क्या कहते हैं, लकड़ी का वॉन्ड होता है, डेकोरेटिव आइटम है, जादू की छड़ी होती है ना, वो जादू की छड़ी मेरी जा रही है इस टाइम पे, अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा एक क्लाइंट एक्सपोर्ट कर रहा है, तो अपन मारेंगे हैं WWODEN वुडन वॉन्ड HS कोड। बस इतना सा आपको अपना HS कोड पता करना है। अपना HS कोड पता करने के लिए देखो, ये दिख गया आपको, ये दिख रहा होगा आपको, 4421 यानी 4421, 4421 HS कोड है अपना। बस ये HS कोड आपके लिए मेन है कि आपको अपना HS कोड पता करना है। अब उसके बाद जाना है आपको नया टैब, उसमें डालना है आपको iSkate, iCEGATE। ये मेरे इसमें ऑलरेडी आ गया है, तो iSkate.gov.in आपको एंटर करना है। ये आपके सामने होम पेज खुल जाएगा, इसको हटाते हैं अपन, होम पेज खुल जाएगा, उसके बाद अपन नीचे जाएंगे। देखिए ये सारे के सारे टैब्स हैं, ये सारी पब्लिक इंक्वायरीज, ये सारे हमारे काम की चीज़ें हैं, जो आपके काम की चीज़ें हैं वो यहाँ पे है। ये कस्टम ड्यूटी कैलकुलेटर है, यहाँ जाना है आपको, सिंपली कैप्चा डालना है 2302। अब अपन इस टाइम पे जो है मेरा ये एक्सपोर्ट हो रहा है, तो मैं एक्सपोर्ट में जाऊँगा, एक्सपोर्ट में जाने के बाद अपन डालेंगे इसमें, तो ये हो गया अपना, इसमें जाएंगे एक्सपोर्ट में, तो ये था 4421, 4421 हो गया अपना। ये सारे देखो वुडन के आर्टिकल आ गए इसमें। अब ये वुडन के आर्टिकल में अपना है, तो अपना वाला जो था ना, वो था 4421990, 4421990। ये सारे अलग अलग है, इसमें से आप लोगों को अपना देख लेना है कि आपका जो भी सूटेबल है हेडिंग, उसमें उसको चेक करना है अपना। मेरा जो है 4421990 है, 4421990। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, देखिए अलग बड़े बड़े करके लिखा हुआ है, ये आपके कंपलसरी है, और ये आपका देखिए अलग से है, प्लांट एंड क्वारंटाइन में जाएगा, और ये सारी की सारी लीगल इसमें वो है कि इंस्ट्रूमेंट वगैरह है, तो ये ताम झाम इसमें चाहिए होगा। ये इस तरीके से आपको चेक करना है, कोई भी आइटम आप इंपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपको यहाँ से तुरंत पता लग जाएगा कि उसके अंदर क्या लीगल कंप्लाइंस है, BIS चाहिए या कुछ भी चाहिए। BIS के लिए मैं आपको इम्पोर्ट के लिए एक बार चेक करके बता देता हूँ। तो इम्पोर्ट के लिए अपन जैसे कि LED लाइट लेके चलते हैं, LED बल्ब HS कोड, LED बल्ब का HS कोड है 9405। अपन जाएंगे वापस इसमें ट्रेड गाइड इम्पोर्ट, था 9405, 9405, 9405। ये देखिए ये सारे लाइट वाइट के आ गए, अब अपने इसको लेकर चलते हैं, सर्च लाइट एंड स्पॉट लाइट जो भी है, इसी भी एक में क्लिक करेंगे अपन। तो देखिए ये अपना आ गया सेल्फ ब्लास्ट, यहाँ लिखा है देखिए कंपलसरी रिक्वायरमेंट लिखा है, सेल्फ ब्लास्ट LED फॉर जनरल पर्पज फिक्स, ये तमाम ये कन्फर्म टू इतना इतना IS, ये देखिए ये सारा। अब ये समझ लो कि जहाँ पे भी आपके यहाँ कंपलसरी रिक्वायरमेंट में ताम झाम लिख, जिस भी प्रोडक्ट के अगेंस्ट में आपके कंपलसरी रिक्वायरमेंट में ये ताम झाम लिखा हुआ आ गया ना, तो मतलब समझ जाओ कि उसमें कोई ना कोई सर्टिफिकेशन चाहिए। इसमें वैसे लिखा हुआ, ये देखिए IS लिखा हुआ इसमें, ये कंफर्म टू IS, ये सारे स्टैंडर्ड्स LED लाइट के। IS में बता दूँ, BIS का एक पार्ट है, मतलब IS होता है इंडियन स्टैंडर्ड्स, के स्टैंडर्ड्स पे ये चीज़ टेस्ट की जाएगी, ये स्टैंडर्ड्स डिफाइन करता है, जो ओवरऑल बॉडी है वो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो इस तरीके से आपको कोई भी प्रोडक्ट आपको इंपोर्ट करना है एक्सपोर्ट करना है, आप यहाँ पे आके एक मिनट के अंदर चेक कर सकते हो, फुल प्रूफ है ये सारा का सारा। ये सेम चीज़ कस्टम के सिस्टम में लिखा हुआ था, मैंने खुद कराया हुआ है क्लियरेंस, तो आपको बता रहा हूँ सेम चीज़ आपको कस्टम के इंस्पेक्टर के स्क्रीन पे या सुपरिटेंडेंट के स्क्रीन पे सेम चीज़ लिखी हुई आती है, फुल प्रूफ है। वैसे डिस्क्लेमर में नीचे लिखा होता है कि इसको आप लीगल एंड प्रोफेशनल एडवाइस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, बट 99% ये ठीक ही होता है और सब लोग इसी से चेक करते हैं। तो इस तरीके से आपको कोई भी आइटम इम्पोर्ट करना है एक्सपोर्ट करना है, एक बार आगे यहाँ पर चेक कर लो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर उसमें कोई भी सर्टिफिकेशन चाहिए तो आपको पहले ही पता लग जाएगा। और ड्यूटी वगैरह जो है, देखिए ड्यूटी स्ट्रक्चर भी यहाँ पे देख रहा है, बट ड्यूटी क्या है ना, ड्यूटी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है कि कौन से कंट्री से वो आ रहा है, कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उसमें एंटी डंपिंग है, कौन से सप्लायर से आ रहा है, कौन सी कंट्री से आ रहा है, उसके साथ हमारा कोई एग्रीमेंट है कि नहीं। तो ड्यूटी यहाँ पर मत चेक करना, क्योंकि यहाँ पर ड्यूटी चेक करोगे तो कंफ्यूज जाओगे, जो आपको यहाँ पर चेक करना है वो चेक करना है आपका ये कंपलसरी जो आपका रिक्वायरमेंट है, कंपलसरी कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट, ये चीज़ मेन है। इसी के चक्कर में सारे के सारे कंटेनर और इम्पोर्टेड आइटम अटक जाते हैं और फिर बाद में उनका ऑप्शन होता है। अरे आप लोग अभी भी यहीं हैं, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट को क्रॉस चेक करना है कस्टम्स के साथ, ताकि आपका कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी एक्सपोर्ट या कोई भी इम्पोर्ट वाला प्रोडक्ट आपका कस्टम्स में ना अटक जाए और वो स्मूथली निकल जाए।
और आपको अगर BIS, EPR या कोई भी अदर गवर्नमेंट एजेंसीज के सर्टिफिकेट्स होते हैं, EPR हो गया, BIS हो गया, WPC हो गया, AD कोड रजिस्ट्रेशन हो गया, ऐसी कोई भी सर्विस चाहिए तो आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अपना ईमेल आईडी नीचे दे दूंगा, आप उस ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं हो सके तो अपना फ़ोन नंबर भी देने की कोशिश करूंगा, तो आप उस नंबर पे भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके मेरे से ये सारे सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। हम खुद दिल्ली में CHA और फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट है, लाइसेंस CHA और फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं आगे ही ऐसे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।